हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको मिक्स ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी बनाना बता रहे हैं, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट लगे हैं और इसे बनाना काफ़ी आसान है और इसे कोई भी बना सकता है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है, हम आपको पहले इंग्रेडिएंट बताते हैं फिर बनाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी ड्राई फ्रूट की, मिल्क की और चीनी की। ये सिंपल सा 3 इंग्रेडिएंट के साथ ये बन जाएगा। हमें ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट में हमने लिया है बादाम, काजू और ये छुहारा है और नारियल है। हमने किशमिश का इस्तेमाल नहीं किया है, किशमिश को हमने अलग रख दिया है। हम सिर्फ ये चार सामग्री जो है, चार कलर तरह का ये जो ड्राई फ्रूट है वही इस्तेमाल करेंगे। और चीनी हमने आधा कटोरी लिया है और 1 लीटर हमारा दूध है। हमने गाय का दूध लिया है, आप भैंस का दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुल्फ़ी बनाने में भैंस का दूध काफ़ी अच्छा होता है। सबसे पहले हम सभी ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। चीनी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी मात्रा चीनी का खाते हैं आप उससे ज़्यादा रखिए क्योंकि कुल्फ़ी ठंडी होती है और ठंडे चीज़ों में हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत होती है क्योंकि जब ठंडा चीज़ खाते हैं तो मीठा कम लगता है। इसलिए आप जितना भी रेगुलर टेस्ट के अनुसार चीनी ऐड करते हैं किसी भी सामग्री में, उससे ज़्यादा आपको कुल्फ़ी में ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हमने सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दूध को हमने हाई फ्लेम पे रख दिया है। इसमें जो आप दूध में जो आपको तैरता हुआ नज़र आ रहा है, जो गिरा हुआ है, वो ड्राई फ्रूट के जो छिलके होते हैं बादाम के, वो है गिर गए हैं। और दूध को आप हमेशा मोटे कढ़ाई में गर्म कीजिए। मोटा होना चाहिए, उसके साथ साथ बड़ा भी होना चाहिए। जितना आपका दूध है कढ़ाई, उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। दूध अब गर्म हो रहा है, अब हम इसे चलाएंगे। दूध को इस तरह से आप चलाइए नीचे से। इसमें आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। दूध को इस तरह से हाई फ्लेम पे चलाइए और चलाते हुए इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है। अभी हम इसे और गाढ़ा करना है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, जो मात्रा हमने आपको बताया है। आप चाहें तो हरी इलायची का बीज भी आप इसमें कूट कर डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है तो। हमने इसमें नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट हमें 3 ही ऐड करना है। काजू ऐड करेंगे, बादाम ऐड करेंगे और नारियल को ऐड करेंगे, लेकिन हम छुहारे को अभी रहने देंगे। ड्राई फ्रूट को हमने ऐड कर दिया है, हमने 3 ड्राई फ्रूट बताया है और वो तीनों को हमने ऐड कर दिया है। छुहारा भी हमारा बाहर रखा हुआ है। हमने ड्राई फ्रूट को बताया है कि आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी काफ़ी सिंपल तरीके से बन रही है। हमने इसमें कॉर्न स्टार्च और भी जो चीज़ डलाता है हमने यूज नहीं किया है। हम ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी को काफ़ी सिंपल तरीके से बना रहे हैं। दूध थोड़ी अब गाढ़ी होने लगी है, लेकिन इसे हमें हल्का सा और गाढ़ा करना है। दूध अब हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें बचा हुआ जो ड्राई फ्रूट है ये हम ऐड कर रहे हैं।
बचा हुआ ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर जो बाहर है उसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फ्रिज में नहीं रखना है। और इसे मोल्डर में डालना है। आप चाहें तो कटोरी में जमा सकते हैं, या फिर कोई भी कंटेनर में, या फिर ग्लास में, या फिर पॉप्सिकल ट्रे में। आप चाहें तो किसी भी चीज़ में इसे आप जमा सकते हैं, लेकिन पहले इसे ठंडा करने देते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे ग्लास में डालेंगे। इसे इस तरह से ग्लास में हम इसे डाल रहे हैं। आइसक्रीम की तरह इसे मुलायम करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसे ढकने का, जो हम डीप फ्रीजर में रखेंगे तो ढकने का ज़रूरत नहीं है, हमें किसी एयर टाइट कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे ओपन ही रखेंगे, क्योंकि ये जो कुल्फ़ी होता है वो कड़ा होता है और आइसक्रीम हमें सॉफ्ट चाहिए, इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। इसलिए आप किसी भी कटोरी में या पॉप्सिकल ट्रे में, आप कुछ भी में भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमने इसे तीन अलग अलग ग्लास में रखा है, अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। और फ्रिज में रखने के बाद इसे पूरी तरीके से जमने देंगे, इसे बार बार हिलाकर नहीं देखेंगे। और उसके बाद जब ये जम जाए तो हम निकालेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मिक्स ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में टेस्टी होता है और सभी को पसंद भी आता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, भूलिए नहीं। और बगल का बेल आइकन ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।